जी आपको बता दें कि थाना रेसा इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने के गेट पर जमकर हंगामा काटा। वही कार्यकर्ताओं ने गेट के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कुछ दिन पहले ही इलाके की रहने वाली एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसके बाद उसको पुलिस ने बरामद कर लिया था। परिजनों ने विशेष समुदाय के युवकों पर अपहरण कर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। वही मामले में पुलिस का कहना है कि महिला को बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए गए, जिनमें उन्होंने किसी पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं लगाया था। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि पुलिस गौकशी और अन्य मामलों में भी गंभीर नहीं और कार्यकर्ताओं की बात गंभीरता से नहीं लेती। घटनाओं का राजपास में नका रेवसा पुलिस पर आरोपियों को छोड़ने का काम कर रही। वहीं अवध रविवार को लेकर थाना गेट पर हनुमान चालीसा भी पड़ी, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। कार्यशैली से खफा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरंग दल के संदीप अवस्थी, दीपक मिश्र, उदय प्रताप आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को समझाया और कार्यवाही का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त किया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट।